रहती है। मदरसा में आजकल संस्कृत की पढ़ाई भी की जाती है, श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारी भारत की संस्कृति है, बिना इसे जाने समझे भारत में ना तो आगे बढ़ सकते हैं ना ही हमारी संस्कृति को समझा सकता है। उसी पर आधारित हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आप जरूर देखिए इसे। मासूम दिलनवाज जिस शिद्दत से कबीर के दोहों को अपने सुर में पिरोते हैं, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दिलनवाज मुरादाबाद के चांदपुर मदरसा अल्जामिया माकिकिया खजाइनुल इरफान के छात्र हैं। मदरसे में 150 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसे में सभी विषयों की शिक्षा के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है और पौराणिक ग्रंथों के जरिए छात्रों को जीवन दर्शन समझाया जा रहा है। एक तरफ रामचरितमानस के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े पहलू है, तो वहीं दूसरी तरफ गीता के जरिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। दरसा जामिया खजानुल इरफान मक्किया में संस्कृत पढ़ाई जा रही है और हमारे उस्ताद काफी इस पे मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी मिलके संस्कृत का थोड़ा स्टडी करते हैं, रात में पढ़ते हैं। लैंग्वेज जितनी भी व्यक्ति सीखेगा इतना ही बेहतर है, क्योंकि इल्म जितना भी हासिल किया जाए बेहतर ही है। तो हमारे यहाँ संस्कृत जो भाषा है, ये भारतीय सभ्यता को जानने का एक बहुत बड़ा माध्यम रही है। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दे रहे इस मदरसे में छात्रों के लिए संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य है। हर दिन बच्चों को संस्कृत में लिखे गए श्लोक का अनुवाद कर समझाया जाता है। छात्रों के अभिभावक तो खुश हैं ही, प्रबंधक भी मानते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का इससे अच्छी नजीर और कोई नहीं हो सकती। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा। कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप संस्कृत ना पढ़ें, हिंदी ना पढ़ें, रामचरितमानस ना पढ़ें, गीता ना पढ़ें। यही विचार लेकर के मैंने सारे धर्मों को एकत्रित करने और सारे धर्मों के लोगों से मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम देने के लिए संस्कृत भाषा को अपनाया और संस्कृत का अपने मदरसे में तालीम देने का सिलसिला शुरू किया। मदरसे में संस्कृत की पढ़ाई से बच्चों को जहाँ भारतीय पौराणिक ग्रंथों और जीवन दर्शन की जानकारी हो रही है, वहीं उनके सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं और जवाब उन सियासतदानों को भी मिल रहा है जो मदरसों को सिर्फ और सिर्फ आतंकी पाठशाला मानकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आ रहे हैं। भारत समाचार के लिए मुरादाबाद से गोविंद पाल की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ में अधिकारियों का गजब का कारनामा सामने आया है।